है गाइज वेलकम टू माई चैनल एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर स्पीकिंग क्यू कार्ड डिस्क्राइब अ टाइम वेन यू हेल्प अ चाइल्ड वेन इट वॉज हाउ यू हेल्प वाई यू हेल्प हाउ यू फेल्ट सो दीज आर द फॉलोअप्स एंड बिफोर आई स्टार्ट लेट मी ट्रांसलेटेड इन हिंदी सो आज का क्यू कार्ड है किसी टाइम के बारे में बताना है जब आपने किसी बच्चे की मदद की कब हुआ था ये आपने मदद कैसे करी आपने क्यों मदद करी एंड आपको कैसा महसूस हुआ सो गाइज लेट्स डिस्कस विदाउट वेस्टिंग टाइम वेल बींग अनेवलेंट काइंड ऑफ पर्सन आई ऑलवेज हेल्प अदर्स बेनेवेलेंट होता है वो बंदा जो बहुत दयालु होता है सो so, यहाँ पर मैंने बताया है कि मैं एक बहुत दयालु टाइप का बंदा हूँ एंड मैं हमेशा लोगों की मदद करता हूँ इवन आई नेवर मिस द बोट टू हेल्प नीडी पीपल मैं कभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता ज़रूरतमंदों की मदद करने का फ्रेंकली स्पीकिंग आई गॉट द स्ट्रेट और कैरेक्टर फ्रॉम माई ग्रैंड फादर आपको मैं फ्रेंडली uh, होकर बता रहा हूँ कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये वाला जो गुण है मेरे अंदर ये मुझे मेरे ग्रैंडफादर से मिला है हेयर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ टाइम वेन आई हेल्प माई बुजम फ्रेंड्स यंगर सिस्टर और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो समय जब मैंने मदद करी मेरे बेस्ट फ्रेंड की छोटी बहन की सो so, यहाँ पर छोटे किसी बच्चे के बारे में बताना था So, मैंने डिसाइड करा कि क्यों नहीं फ्रेंड की छोटी सिस्टर की मदद कर देते हैं तो so, गाइस आप ऐसे बोल सकते हैं राइट एक्चुअली लास्ट ईयर माय बूजम फ्रेंड सिस्टर हु इज एट इयर्स ओल्ड मेट विद एन एक्सीडेंट पिछले साल मेरे बुजम फ्रेंड की सिस्टर है छुट्टी आठ साल की है एंड उसका एक्सीडेंट हो गया था डॉक्टर एडवाइज हर स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट डॉक्टर ने एडवाइज़ करा कि वो प्रॉपर बेड रेस्ट ले एक्चुअली दिस इंसिडेंट हैपन्ड बिफोर वन मंथ ऑफ हर फाइनल एग्ज़ाम न हर मदर केम टू माई हाउस शी आस्क मी टू हेल्प हर इन हर स्टडीज़ फिर उसकी मम्मी मेरे घर में आई एंड उसने मेरे को बोला कि उसकी जो वो छोटी लड़की थी उसकी मदद करूँ स्टडीज़ में बिकॉज़ आई वॉज़ टॉपर ऑफ़ माई स्कूल क्योंकि मैं स्कूल का टॉपर था आनेस्टली स्पीकिंग आई एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट मैं ईमानदारी से बताऊँ मैंने इनकार नहीं किया मैंने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया एंड आई परफॉर्म्ड माय ड्यूटी और मैंने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म किया विद ग्रेट एंथजियाज दैट मीन्स कि बड़े उत्साह के साथ एंथूजियाज होता है उत्साह तो मैंने बड़े उत्साह के साथ अपनी ड्यूटी को निभाया आई नॉट ओनली हेल्प हर इन सब्जेक्ट्स बट ऑल्सो इम्प्रूवड हर कम्युनिकेशन स्किल्स मैंने ना सिर्फ उसकी मदद करी सब्जेक्ट्स को पास करना कराने में बल्कि उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्प्रूव कर दिए यू नो वट इट वॉज ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू हेल्प हर इन हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी बड़ी खुशी की बात थी कि मैंने उसकी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में मदद करी अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव हर बिकॉज शी इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड सिस्टर बट माइन ऑल्सो सो मैंने उसकी मदद इसलिए करी क्योंकि वो मेरे ना मैंने इसलिए नहीं करी कि वो मेरे फ्रेंड की सिस्टर थी वो मेरी भी बहन थी इसलिए मैंने उसकी मदद करी वैन हर रिजल्ट डिकलेयर शी वॉज ऑन सेवन हेवन जब उसका रिजल्ट आया तो वो बहुत खुश थी सातवें आसमान पे थी बिकॉज शी स्कोर सेकेंड पोजिशन इन क्लास क्योंकि उसकी सेकेंड पोजिशन आई थी हर मदर नॉट ओनली गिव ब्लेसिंग्स टू मी बट ऑल्सो पॉजिटिव फीडबैक टू माई पेरेंट्स उसकी मदर ने ना सिर्फ मेरे को ब्लैसिंग्स थी आशीर्वाद दिया बल्कि बहुत ही अच्छा पॉजिटिव फीडबैक दिया मेरे माँ बाप को मेरे पेरेंट्स को I also felt proud on me, मुझे भी अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। I have realized that helping others give us sense of satisfaction, और मैंने realize किया कि दूसरों की मदद करने से बहुत ही ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। So guys, this is the cue card, and again request to you, thanks for watching, like it, share it with friends. give comment and don't forget to subscribe if you are new in my channel thanks for watching